स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में पूछे गए साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, तो सभी लोग आइएगा और इनका जवाब दीजिएगा। देखते हैं 5 में से कौन कितने सही करता है। चलिए भाई तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। ऑप्शन ए दिया गया साधारण, बी दिया गया अवतल, सी दिया गया उत्तल और डी दिया गया प्रतिलोमित। तो बताइएगा भैया वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण होता है भैया, क्या होता है उत्तल दर्पण, सभी लोगों को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया लोहे में जंग लगना खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया क्षरण का, बी दिया गया द्रवण का, सी दिया गया ज्वलन का और डी दिया गया बाष्पीकरण का। तो भैया बताइएगा लोहे पर जंग लगना इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। तो भैया याद रखना लोहे पे जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है, क्षरण का एक उदाहरण है, याद रखिएगा भैया सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिए गए ताप नाभिकीय अभिक्रिया संलयन, बी दिया गया भारी जल अभिक्रिया, सी दिया गया ताप नाभिकीय विखंडन और डी दिया गया द्वित प्रजनक अभिक्रिया। बताइएगा हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये आपको याद रखना है भैया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विटामिन सी किस की कमी से हो कौन सा बीमारी होती है, बताइएगा विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी विटामिन होती है के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है पेलेग्रा, ऑप्शन बी दिया गया है एनीमिया, विटामिन सी दिया गया है स्कर्वी और डी दिया गया है रतौंधी। आपको बताना है विटामिन सी। तो भैया याद रखिएगा विटामिन सी 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कर्वी, क्या हो जाएगा भैया स्कर्वी, सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भैया विटामिन सी स्कर्वी, अगर ये पूछा जाए आपसे इसका रासायनिक नाम तो एस्कार्बिक एसिड, क्या याद रखिएगा एस्कार्बिक एसिड, इसका नाम होता है एस्कार्बिक एसिड, सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका रासायनिक नाम बताइएगा तो एस्कार्बिक एसिड, सभी लोग याद रखिएगा भैया क्या होता है एस्कार्बिक एसिड। पूछ दिया जाए विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन, तो याद रखिएगा भैया बी और सी जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए दिया गया डार्विना, बी दिया गया मेंडले, सी दिया गया लैमार्क और डी दिया गया डे ब्रिज। बताएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो भैया याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा मेंडले। आपको इसका राइट आंसर क्या याद रखना भैया ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेंडले। तो भैया सभी लोग याद रखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।